हेलो फ्रेंड्स, एमडीयू ने लॉ के इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए फाइनली डेट डिक्लेयर कर दी है कि उनके एग्ज़ाम्स कब कराए जाएंगे। एमडीयू ने कह दिया है कि लॉ के इंटरमीडिएट स्टूडेंट के एग्ज़ाम 23 दिसंबर 2020 से स्टार्ट कराए जाएंगे। इसके चलते जो भी एग्ज़ाम्स का क्राइटेरिया है वो हमने पहले ही वीडियोज़ में बता दिया है कि उनका क्राइटेरिया एज इट इज़ रहेगा जैसा कि रीअपीयर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम का था। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन खास गाइडलाइंस के बारे में जो कि एमडीयू ने आज जारी की है हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए। भाई, जो भी लॉ के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं स्टूडेंट्स के, तो कुछ बच्चे हॉस्टल में भी रहेंगे, तो उनको किन किन रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा और उन्हें क्या क्या अपने साथ लाना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें उनको सबमिट करानी पड़ेगी, ये सब बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एमडीयू ने साफ साफ कह दिया है कि हॉस्टल टेम्प्रेरी खोले जाएंगे 22 दिसंबर 2020 से 10 जनवरी 2021 तक। इसके बाद हॉस्टल बंद हो जाएंगे और 22 से पहले भी नहीं खोले जाएंगे। इस चलते एमडीयू ने कहा है कि सबसे पहले तो स्टूडेंट को अपनी रिक्वेस्ट एचओडी को डालनी पड़ेगी। अगर वो परमिशन दे देते हैं हॉस्टल में रहने के लिए, अगर एचओडी को लगता है कि हॉस्टल में रहना उनके लिए ठीक है तो वो रह सकता है, वरना नहीं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आएगा हॉस्टल में रहने के लिए, तो अपने कोविड की रिपोर्ट के साथ आएगा कि वो स्टूडेंट कोविड नेगेटिव है। इसके अलावा जिसकी और कोई रिपोर्ट आती है तो वो स्टूडेंट हॉस्टल में ना आए, और सिर्फ उन्हें ही हॉस्टल में रहने दिया जाएगा जिनके घर की दूरी एमडीयू से 50 किलोमीटर से ज़्यादा है। अगर इससे कोई कम पाया जाता है तो उसे रहने की परमिशन नहीं दी जाएगी। और कहा गया है कि इस गाइडलाइंस में हॉस्टल में रहने के दौरान अगर किसी को कोविड की कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं तो वो हॉस्टल की अथॉरिटीज़ को जल्दी से कहेगा अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में। जो भी उनको हल निकालना है वो निकाल देंगे, और जो उनके रिफ़ंड है 2000 रुपये का जो उन्होंने सबमिट कराए थे, तो उनको एडमिशन के टाइम पर वापस कर दिए जाएंगे। और हॉस्टल में रहने के दौरान उन्हें खाना भी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, उनको बाहर से ही खाना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं तो सबसे पहले उनको अपने गाइडेंस की लेटर लिखवाना पड़ेगा कि उनको उनके पेरेंट्स से परमिशन मिल चुकी है, पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो हॉस्टल में रह रहे हैं। अगर वो ये अपना परमिशन लेटर जमा नहीं कराएंगे तो उन्हें हॉस्टल में रहने नहीं दिया जाएगा। और यह बात खास कही गई है कि अगर कोई भी स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा है उसके अलावा वो कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ डिपार्टमेंट में जा सकता है एग्ज़ाम्स के टाइम पर एग्ज़ाम देने। उसके अलावा वो एग्ज़ाम देखकर इधर उधर नहीं जाएगा, सीधा अपने हॉस्टल में ही जाएगा। हॉस्टल में रहने के टाइम पर उसे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को, और अपना मास्क और सैनिटाइज़र उसे साथ में रखना पड़ेगा। इसके अलावा एमडीयू ने खास कहा है कि कोई भी स्टूडेंट 22 तारीख से पहले हॉस्टल में ना आए, क्योंकि हॉस्टल 22 तारीख को ही खोला जाएगा, इससे पहले आने का कोई भी फायदा नहीं है। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस थी जो कि एमडीयू ने जारी की है हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो में।